कौन है, कौन है? दोस्तों दोस्तों, आपने हर जगह विनोद विनोद देखना शुरू कर दिया होगा, पर इस विनोद के पीछे की सच्चाई अभी तक कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसने भी विनोद की सच्चाई बताने की कोशिश की वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता हूँ, क्योंकि आलोक शुक्ला तोमर नाम के बहुत कम ही लोग इस दुनिया में बचे हैं। कहीं भी इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, इंस्टा पे सर्च करेंगे आलोक शुक्ला तोमर, तो हम आराम से मुझे कोई भी ढूंढ सकता है, लेकिन लेकिन विनोद विनोद की सच्चाई बताना, हो सकता है ये वीडियो बीच में ही रुक जाए, क्योंकि विनोद की सच्चाई बताने वाला कोई भी जिंदा ना रहा। लेकिन कुछ भी हो, मैं आज आप लोगों के विनोद की सच्चाई बताकर ही रहूँगा। विनोद, ये उस समय की बात है जब मैं और विनोद बचपन में बच्चे हुआ करते थे। विनोद पढ़ने में बहुत ही कमजोर था, इसीलिए वो एक बड़ी कंपनी में जाकर जॉब करने लगा, और वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, और उस लड़की के प्यार में वो पागल हो जाता है। मैंने उसे बार बार समझाया कि नहीं, लड़कियों के चक्कर में मत पढ़ विनोद, लेकिन नहीं, एक दिन जाकर विनोद ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया, और आप लोगों को पता है लड़की ने क्या कहा? लड़की ने कहा, कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। बस उसी दिन से विनोद को लगा कि उसे तो कोई जानता ही नहीं। उसी दिन से उसने सोच लिया कि अब दुनिया में या तो विनोद रहेगा या फिर ये दुनिया रहेगी। उसी दिन उसने साइकिल के सामने कूद कर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पर विनोद, अफसोस, विनोद बच गया, पर उसकी आत्मा उसे छोड़ दी। उस दिन से विनोद यहाँ से वहाँ भटक रहा है। रोज विनोद किसी न किसी के शरीर में घुस के उसके हाथों से फेसबुक पे, यूट्यूब पे और हर जगह एक ही कमेंट कराता है, विनोद, विनोद, विनोद। ये थी विनोद की सच्ची कहानी, पर अब मेरे साथ क्या होगा मैं नहीं जानता।